जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए टेक्निकल चार्जर चैनल और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर दिन आपको टेक डोज मिलती रहे। हेलो टेक चार्जर्स, अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो आज जब भी आप वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। क्या ये चेंजेस दोस्तों, उसके बारे में आगे इंट्रो के उस पार बात करने वाले हैं, तो लास्ट तक देखिए वीडियो। मैं हूं अशफाक और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल चार्जर। बात कर रहे हैं YouTube के एक नए अपडेट के बारे में। आज अगर आप कोई भी पहली वीडियो अपलोड करने जाएंगे अपने चैनल पर तो हो सकता है कि आपको नया अपडेट देखने को मिले। जैसे कि दोस्तों, जब हम वीडियो अपलोड करते हैं तो वहां पर डिस्क्रिप्शन वगैरह के बाद में अपना मोनेटाइजेशन हमें सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। मोनेटाइजेशन के बाद अपनी सस्टेनेबिलिटी ऐड की कैसी है, क्या कंटेंट है, किस तरह का कंटेंट है, वो सारे सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद एक नया और ऑप्शन ऐड कर दिया है YouTube ने, ये है चेक का। इस चेक के ऑप्शन में आपको दो कैटेगरी देखने को मिलेंगी। एक है कि कॉपीराइट कंटेंट, कि आपकी वीडियो में कॉपीराइट कंटेंट तो नहीं है, कि जो आपकी वीडियो जैसे हम लोगों की पहले पब्लिश हो जाती थी उसके बाद कॉपीराइट का हम लोगों को मिलता था कि आपकी वीडियो में कंटेंट है किसी और का, तो मोनेटाइजेशन पर उसका असर पड़ता था। हो सकता था कि हमारे 100% रेवेन्यू उस वीडियो का जो है वो थर्ड पार्टी के पास चला जाए, या फिर होता था कि रेवेन्यू को शेयर करना पड़े, या फिर ऐसा भी होता था कि YouTube उस मोनेटाइज्ड वीडियो को डिसेबल कर दे। तो ये सारी चीजें होती थी जो कि पब्लिश होने के बाद होती थी। ऐसे में YouTube के पास भी काफी लंबा दोस्तों प्रोसेस हो जाता था कि वो रेवेन्यू को दोस्तों डिवाइड करे और बहुत सारी चीजें चेक करे। तो ऐसे में अगर YouTube ने ये नया एक दोस्तों चेक वाला ऑप्शन लगा दिया है तो ये YouTube के लिए भी बेहतर है और हम लोगों के लिए भी। हो सकता है कि वीडियो पब्लिश करने के बाद के जो इफेक्ट हमारी वीडियो आते हैं वो पहले ही YouTube चेक कर लेगा और बता देगा कि आपकी वीडियो में यहां यहां पर जो कंटेंट है वो कॉपीराइटेड है, आप उसको चेक कर लीजिए एक बार अपने हैंड पर और उसके बाद अपनी वीडियो को पब्लिश कीजिए ताकि मोनेटाइजेशन में उसके कोई भी फर्क ना पड़े। और इसी तरीके से अगर आपकी वीडियो में कोई ऐसा कंटेंट है जो आप YouTube से छुपा रहे हैं, जो कि पब्लिश होने के बाद YouTube चेक करके फिर आपके मोनेटाइजेशन पे उसके कुछ उसका इफेक्ट हो, तो उससे पहले ही YouTube चेक करेगा कि जो आपने सस्टेनेबिलिटी आपने सेलेक्ट की है वीडियो के लिए क्या वो दुरुस्त है, जो भी आपने सेलेक्ट किया है तो उसको भी वहीं पर चेक कर लिया जाएगा पब्लिश होने से पहले। और अगर ऐसा कुछ भी पाएगा YouTube तो उस वीडियो को पहले ही आपको बता दिया जाएगा कि यहां यहां पर आपको चेंज कर लीजिए एक बार और वीडियो को दोबारा से पब्लिश कीजिए ताकि आपके मोनेटाइजेशन पे कोई फर्क ना पड़े। तो एक अच्छा स्टेप है YouTube की तरफ से, क्योंकि पोस्ट वीडियो पब्लिश होने के बाद की जो प्रोसेस है वो काफी लेंथी होते हैं दोस्तों, और अगर पहले ही ये सारी चीजें चेक हो जाए तो काफी बेहतर होगा। तो अगर आपने अभी तक कोई वीडियो अपलोड नहीं की है और अगर की है और आपको ये नहीं मिला है ऑप्शन, तो हो सकता है कि रीजन वाइज धीरे धीरे एक दो दिन पे आपको अपने रीजन में भी यानी कि इंडिया वगैरह में सब जगह देखने को मिल जाए। फिलहाल दोस्तों यहां तो ऐसा हो गया है कि आज जो वीडियो अपलोड हुई है तो आप लैपटॉप की स्क्रीन पे भी आप देख पा रहे हैं क्योंकि मैंने उसको रिकॉर्ड किया हुआ है, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह का आपको नया ये ऑप्शन देखने को मिलेगा जब आप वीडियो को पब्लिश करने जा रहे होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझ गए होंगे कि ये चेक का मतलब क्या है और आपकी वीडियो पर इसका क्या इफेक्ट आने वाला है। बाकी दोस्तों और भी कुछ अपडेट आएंगे तो आने वाली वीडियो में आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो के बारे में कुछ भी कहना हो तो नीचे कमेंट करके कह सकते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल। जुड़े दीजिए चैनल के साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।